आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। कार्य का शुभारंभ जिला दंडाधिकारी श्री नीरज कुमार सिंह द्वारा गीति लगाकर किया गया। पुलिस कप्तान श्री प्रदीप शर्मा के जिले में आगमन के उपरांत से आज दिनांक तक वे लगातार पुलिस विभाग और पुलिस कर्मचारियों के लिए वेलफेयर के काम में तन मन से लगे हुए हैं। उनके सकारात्मक प्रयासों के चलते जहां एक ओर थानों की बाउंड्री वॉल, शौचालय और अन्य आवश्यक कार्य कराए गए, वहीं दूसरी ओर रक्षित केंद्र का कायापलट कर दिया गया। रक्षित केंद्र में निवासरत पुलिसकर्मी खराब सड़क के चलते लंबे समय से परेशान थे, क्योंकि रक्षित केंद्र से आने जाने वाला मुख्य मार्ग ही काफी क्षतिग्रस्त अवस्था में था, जिसे हाल ही में जन सहयोग के माध्यम से ठीक कराया जाकर उसका डामरीकरण भी किया गया। वहीं रक्षित केंद्र में बच्चों के लिए पार्क और झूले सहित वाटर प्लांट, जिम्नेशियम और अन्य बुनियादी सुविधाओं को मुहैया कराने में जिला पुलिस कप्तान द्वारा हर संभव प्रयास किए गए। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक कार्यालय और उसके आसपास के क्षेत्र में हरियाली, मंदिर निर्माण, जलपूर्ति हेतु बोरवेल खुदाई आदि अन्य आवश्यक कार्य उनके द्वारा कराए गए। इसी क्रम में रक्षित केंद्र के मुख्य मार्ग से जुड़ी हुई पुरानी कॉलोनी तक की सड़क काफी जर्जर अवस्था में होने से उसका भी डामरीकरण कराए जाने हेतु, जिसे जन सहयोग के माध्यम से जल्द करा लिया जाएगा। उक्त मार्ग के डामरीकरण और सुधार कार्य का शुभारंभ जिला दंडाधिकारी श्री नीरज कुमार सिंह द्वारा गेति लगाकर किया गया। इस दौरान उस मार्ग का भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर जिला पंचायत सीईओ डॉक्टर केदार सिंह, रक्षित निरीक्षक श्रीमती स्नेहा चंदेल एवं पुलिस विभाग के अन्य पदाधिकारीगण मौजूद रहे। राजगढ़ जिला ब्यूरो, बलवंत सिंह वनिया की रिपोर्ट।